हाल ही में शासन की उलटफेर के बाद आए नवागत कमिश्नर अजय दीप सिंह ने मलखान सिंह जिला अस्पताल व महिला अस्पताल का निरीक्षण किया, लेकिन इस दौरान देखने को मिला कि जिला अस्पताल में जो आवारा कुत्तों का आतंक मचा हुआ था, कमिश्नर के आगमन से पहले ही नगर निगम की टीम आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए निकल पड़ी और अस्पताल के कोने कोने से और वार्डों के अंदर से आवारा कुत्तों को पकड़कर टीम अपने साथ ले गई। तो वहीं कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान मलखान सिंह जिला अस्पताल में स्टाफ सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सभी सुविधाओं को सुचारू रूप से जनता तक पहुंचाने के लिए निर्देशित किया। समय समय पर निरीक्षण जिला अस्पतालों के किए जाते हैं, उसके तहत मेरा ये प्रथम निरीक्षण है ताकि यहाँ की व्यवस्थाएँ सुव्यवस्थित बनी रहें और हमारे जो चिकित्सक गण हैं वह भी सजग होकर चिकित्सीय सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराएं। आज यहाँ मैंने देखा एक तो ओपीडी का निरीक्षण किया है, तो ओपीडी में यहाँ अच्छी भीड़ रहती है। ये बताया गया कि 2 से 2500 नए पेशेंट प्रतिदिन यहाँ आते हैं और लगभग 1500 के आसपास पुराने पेशेंट आते हैं। तो 4000 यदि पेशेंट ओपीडी में आ रहे हैं तो भीड़ अच्छी होगी। तो उसके लिए इनसे कहा गया कि ऐसी व्यवस्था बनाए कि बहुत लंबी लाइन न लगे और जो है लोगों को सुगमता से चाहे स्टोर से दवा उपलब्ध होनी हो या इंजेक्शन लगवाना हो या ओपीडी में अपना परीक्षण कराना हो तो सुविधाजनक तरीके से कम समय में व्यक्ति यहाँ से जो है सुविधा लेकर या सेवा लेकर और जा सके, ऐसी इनको व्यवस्था। अभी इमरजेंसी को चेक किया, इमरजेंसी ठीक है। आज प्रातः से केवल 10 पेशेंट आए जिसमें से 6 एक्सीडेंट के केसेस थे, इमरजेंसी साफ भी है, दवाएं भी वहाँ सुलभ हैं, डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। बाकी जो है यहाँ पर इनकी सफाई व्यवस्था देखी गई तो ये जो मेडिकल वेस्ट है उसके डिस्पोजल में थोड़ी खामी है, तो उसके सुधार के लिए कह दिया गया है कि जहाँ पर इंजेक्शन्स वगैरह लग रहे हैं या जहाँ पर बैंडेज वगैरह हो रही है वहाँ भी 3 टोकरी होनी चाहिए अलग अलग कलर्स की, उसकी व्यवस्थाएँ बनाएंगे। और सामान्य इनको निर्देश दिए गए कि यहाँ पर जो है चिकित्सीय सुविधाएं जैसा सरकार की मंशा उसके अनुरूप यहाँ पर सुलभ करें।